हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दी नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। ये रिपोर्ट 1928 में आई थी एंड प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप साइमन कमीशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लस अब जब साइमन कमीशन आया तो ऑब्वियसली उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की होगी, ठीक है। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं की, जिससे एक तरह से आप कह सकते हैं गुस्सा होके, एग्रेसिव होके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, जो कि थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने चैलेंज किया INC को, मतलब एक तरह से इंडियंस को, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आप कैसा संविधान चाहते हो उसका एक ड्राफ्ट होता है, मतलब एक रफ वर्क प्रिपेयर करके हमें दीजिए, ठीक है। अब जो इंडियंस थे, या आप कह लीजिए जो INC मेंबर्स थे, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मतलब जितनी भी पार्टीज थी छोटी मोटी, उन सबकी एक इकट्ठी यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक कमेटी बनाई गई। ये डिस्कस किया गया कि अब हमारा काम क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना है। तो एक कमेटी तैयार की गई, कमेटी के चेयरमैन बनाए गए मोतीलाल नेहरू जी, सेक्रेटरी बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इस तरह से अब काम स्टार्ट हो गया। नाउ धीरे धीरे ड्राफ्ट भी प्रिपेयर हो गया। अब जो यहाँ पे ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, इसे ही हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इसे ही नाम दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो ही नाम पढ़े कि चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे। जब क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट के चेयरमैन कौन थे, हम फटाफट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर देते हैं। नहीं, वो नहीं थे, चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। पहले तो ये बात याद रखनी है। प्लस इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जो और भी थे, जैसे कि मंगल सिंह है, तेज बहादुर प्रू है, सुभाष चंद्र बोस हैं, GR प्रधान है। बहुत सारे मेंबर्स, आपको बुक्स आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स के नाम मिलेंगे, बट ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया, उसे नाम दे दिया नेहरू रिपोर्ट का। तो अब इसके बाद क्या होता है, सबमिटेड एट लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द पार्टीज। जितनी भी पार्टीज थी, पहले तो अपनी सभी पार्टीज की सहमति चाहिए थी, उसके बाद ही हम ब्रिटिशर्स को देते। तो जितनी भी पार्टीज थी उनकी एक फिर से यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, मतलब इकट्ठी कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे इस रिपोर्ट को सबमिट किया। सब ने इसे एक्सेप्ट किया, जितनी भी पार्टीज थी, जितने भी मेम्बर्स थे, सब ने इसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना। ही वोटेड अगेंस्ट इट, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया। फर्दर हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स क्या रहे। की पॉइंट्स आप समझते हैं कि क्या क्या प्रपोजल्स थे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्या क्या चाहिए था इंडियंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो प्रपोजल उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको मैंने थ्रू हैंड रिटन नोट्स कवर किया है अपने चैनल पे। हर एक इवेंट को एक वीडियो में कवर किया है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। इस तरह से जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन सबका मटेरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल है, बट हाँ काफ़ी टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। प्लस क्लास 6 NCERTs, क्लास 6 के बाद ऑनवर्ड्स जितनी भी NCERTs हैं वो सब जनरल स्टडीज़ के मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, थ्रू हैंड रिटन नोट्स ही करती हूँ, समरी नोट्स, एक या दो पेजेस के नोट्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सब मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अब हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। अब इंडियंस ने ड्राफ्ट में लिखा था कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, फाइन, बट उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा, उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि हम इंडिपेंडेंट तो होंगे बट हम वर्क करेंगे अंडर ब्रिटिशर्स ओनली, ठीक है। सेकेंड था बाई कैमरा लेजिस्लेचर, टू हाउसेज होंगे पार्लियामेंट के, चाहे आप सेंटर में बोल लीजिए चाहे आप स्टेट में बोल लीजिए, टू हाउसेज होंगे हमारे लेजिस्लेचर के, विधान के। फिर है नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जैसे मुस्लिम्स के लिए हमने पढ़ा था ना कि मुस्लिम लीग बनी, फिर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, फिर मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स आए और वहाँ पर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, नहीं, बंद, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रोविजंस उसमें मेंशन थे सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स का, कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स FR लिखा मैंने शॉर्ट में, क्या क्या होंगे, ये सब था उसमें। देन रिकमेंडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए इक्वल अधिकार होंगे, समान अधिकार, ठीक है। ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड बाई ऑल द इंडियन लीडर्स, अब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जितने भी इंडियन लीडर्स थे सब ने एक्सेप्ट किया इसको। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने तो नहीं किया, वो तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया, वो इंपॉर्टेंट था, हमने शुरू में ही पढ़ लिया। नेक्स्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, पॉइंट क्या है कि INC ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट बाय 31 दिसंबर 1929, मतलब 31 दिसंबर 1929 तक इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो। रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में आई थी। अल्टीमेटम दिया कि 1929
तक इसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज बहुत बड़ा मास मूवमेंट होगा, आप फिर टॉलरेट नहीं कर पाओगे। ब्रिटिश सरकार, आपको क्या लगता है, डरी होगी इससे? नहीं, रिपोर्ट नॉट एक्सेप्टेड, रिपोर्ट को एक्सेप्ट फिर भी नहीं किया गया, इतनी धमकियों के बाद भी नहीं किया गया। अब देखिए, जो नेहरू रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल ये मानी जाती है। मेमोरेबल क्यों मानी जाती है? बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम किया। इंडियंस ने पहली बार इतना बड़ा एफर्ट दिखाया, इन्होंने अपने संविधान के लिए एक फ्रेमवर्क तक तैयार किया। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है। जो नेहरू रिपोर्ट है इसे लखनऊ पैक्ट का रिवर्सल कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है। अब देखिए, जब नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई तो उसमें क्या रिकमेंडेशन थी? उसमें था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी उन एरियाज में जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है, जहाँ पे वो कम है, और जहाँ वो मेजॉरिटी में है वहाँ वो प्रॉपर इलेक्शंस लड़ें और सीट हासिल करें। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का पूरा पंगा इन्होंने बंद कर दिया। नाउ रिपोर्ट ने प्रपोज किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बंद करें, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमने लखनऊ पैक्ट पड़ा था वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को हाँ की गई थी, तो इसलिए कहा गया है कि जो नेहरू रिपोर्ट है लखनऊ पैक्ट का उल्टा था, रिवर्सल था, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेहरू रिपोर्ट हमने अच्छे से पढ़ ली है, आपको कोई भी डाउट है आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए कमेंट, फीडबैक के ऊपर फिर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी अगर मुझे लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इवेंट डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये तो पता ही है करना क्या है, आपको जल्दी से कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।